दोस्तों, आज की कहानी है, उपदेश देना आसान होता है पर उपदेश से बेहतर होता है उदाहरण। प्रोफेसर चटर्जी, वेद और प्रज्ञा। वेद की कहानी, जिसे प्रोफेसर की डांट के बजाय सहपाठी के व्यवहार ने बदल दिया। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलते शुरुआत करते हैं। प्रोफेसर चटर्जी अपने बेटे के साथ फिल्म देखने गई थी। वह सिनेमा हॉल के सामने खड़ी थी कि उनके सामने एक बड़ी सी गाड़ी आकर रुकी, जिससे एक युवक बाहर निकला। उसने काले रंग का महंगा सूट पहना हुआ था और किसी अमीर परिवार का लगता था। प्रोफेसर चटर्जी पर नज़र पड़ते ही उसने तुरंत सिर झुकाकर नमस्कार किया। प्रोफेसर उसे पहचान गई और पूछा, कैसे हो वेद? उसने कहा, अच्छा हूँ मैम। प्रोफेसर कहने लगी, यकीन ही नहीं होता कि तुम इंजीनियर बन गए हो। मैं तुम्हें कितना डांटा करती थी, आज तुम्हें देखकर खुद पर गर्व होता है। वेद ने कहा, आपसे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। आपको याद होगा कि मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता था। मुझे सही रास्ते पर लाने वाली मेरी दोस्त प्रज्ञा थी। क्या आपको उसकी याद है प्रोफेसर? आपको पता है, मैंने आपकी क्लास में कभी कोई असाइनमेंट नहीं किया, ना ही किसी भी टेस्ट के लिए पढ़ाई की। प्रज्ञा हमेशा मुझसे कहती थी, मैं तुम्हें खराब नंबर लाते हुए नहीं देख सकती। मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी ज़िंदगी ऐसे व्यर्थ न गवाओ, बल्कि कुछ करके दिखाओ। एक दिन उसने मुझसे कहा कि तुम्हारी वजह से तुम्हारे मम्मी पापा भी कितने परेशान होते हैं, इसके बावजूद मैं फ़ायदा उठाकर अपना सारा काम उससे करा लेता था। पर धीरे धीरे मुझ पर प्रज्ञा की बातों का गहरा असर पड़ने लगा। मैं शरारते और घूमना फिरना छोड़कर पढ़ाई को गंभीरता से लेने लगा। प्रज्ञा मुझे हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती थी। उसी की वजह से मैं ज़िंदगी को समझ पाया हूँ। उसी की दी हुई सोच का असर है जिसकी वजह से मैं आज इस मुकाम पर पहुंच पाया हूं। वेद की बातें सुनकर प्रोफेसर चटर्जी चुपचाप आगे निकल गईं। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारी कहानियों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।